हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आप लोगों को पता चल ही चुका होगा टाइटल देख के कि आज मैं अपना जो वीकडेज मॉर्निंग रूटीन है वो कर रही हूँ। यहाँ पे मैं नानू के लिए स्नैक बॉक्स, लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ और रात को सारा मैंने फ्रूट्स वगैरह धो के रखे थे तो मैं वही डालूँगी। लंच बॉक्स में जाएगा पोमीग्रेनेट, फिर ऑरेंज, कैरेट, पियर और पैनकेक जैसा। पैनकेक ही है, मैं उसको आटे और नमक में थोड़ा सा मिक्स पानी के साथ मिक्स करके पैनकेक जैसा बनाती हूँ, तो उसको बहुत पसंद है वो। तो मैं वो जो खाती है मैं वही पैक करती हूँ क्योंकि वेस्ट ना जाए, भूखा ना रहे वो। और स्कूल से आने के बाद तो मैं उसको ऐसे छोटा सा लंच तो कराती ही हूँ। तो स्नैक्स है ये, स्नैक्स में ग्रेप्स, फिर गमीज और ओरियो है। और आज वो थोड़ा सा जल्दी उठ गई। ऐसे तो मैं उसको 6:40 में उठाती हूँ, तो आज वो जल्दी उठ के खुद से रेडी हो गई। जो मैं कपड़ा निकाल के रखी थी उसके लिए वो खुद से पहन ली और फिर मैंने उसके लिए उसको थोड़ा सा हेल्प किया ब्रश करने में और साफ़ सफाई में। फिर उसको अभी मैं उसका बाल ठीक कर रही हूँ, रेडी कर रही हूँ स्कूल के लिए।
मैं यहाँ पे सुबह उठ के मुझे हमेशा वार्म वाटर पीने की आदत है और मैं यहाँ पे वार्म वाटर पी रही हूँ, साथ साथ में नानू को भी ब्रेकफास्ट करा रही हूँ। मैं और नानू दोनों हम लोग देख रहे थे उन लोगों को कि आए कि नहीं, और बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। Guys, today I'm going out of school, okay? Bye. You just wait for me after I come back home. Okay, bye. यहाँ पे जस्ट टाइम पास चल रहा था हम लोगों का, जब तक हम लोग वेट करते हैं तब तक कुछ खेल रहे थे, नानू को थोड़ा एंगेज करा रही थी। और मेरे नेबर भी आ गए लेने, नानू और उनकी बेटी एक ही स्कूल में और एक ही ग्रेड में जाते हैं, तो हम लोग कारपूल करते हैं, सुबह वो ले जाते हैं और शाम को आफ्टरनून को मैं ले आती हूँ। मैं अभी लिविंग रूम का ब्लाइंड्स जितना भी है वो खोल रही हूँ, बाहर आप देख सकते हैं बहुत ही फोगी फोगी सा था, तो बहुत ही ठंड था और टिया भी सोई हुई थी, तो मैं अभी जाऊँगी टिया के पास, फिर थोड़ा फीड करूँगी और फिर अगर वो नहीं उठी तो वापस आके फिर से मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। मेरे हस्बैंड का भी काम रहता है सुबह, तो मैं ये हमेशा नहीं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट, कभी कभी हम लोगों का मेरे हस्बैंड का सिर्फ चाय से ही चल जाता है और मैं सिर्फ पानी पीती हूँ, कभी कभी मन भी नहीं करती है तो हम लोग डायरेक्ट कभी कभी ब्रंच करते हैं। तो आज मुझे मन किया कि ब्रेकफास्ट बना लूँ, तो मैं आज ये सिंपल सा पटेटो और चीज़ का ये सैंडविच बना रही हूँ, अच्छा लगता है बहुत, आप लोग भी ट्राई कीजिए। इसमें मैंने पटेटो, थोड़ा सा अनियन, धनिया और थोड़ा सा चिली, फिर ब्लैक पेपर और नमक दे के उसको मैश कर लिया है, और फिर थोड़ा सा चीज़ दूंगी मैं, अगर चीज़ नहीं हो तो अच्छा नहीं लगेगा ये सैंडविच, चीज़ होने से ज़्यादा अच्छा लगता है।
और हम लोगों का ब्रेकफास्ट भी रेडी। मेरे हस्बैंड हमेशा ये ब्लैक टी पीना पसंद करते हैं, थोड़ा सा चाय पत्ती और थोड़ा सा अदरक डाल के और विथ नो शुगर, तो मैं वही हमेशा सुबह वही उनको देती हूँ। ब्रेकफास्ट करना हो गया और सुबह का बैच का ये फर्स्ट बैच शुरू मेरा बर्तन धोना। टिया उठ गई थी और मैं उसको थोड़ी देर ये पैक एंड प्ले में डाल के मैं बर्तन क्लीन करने लगी और मैं जितना भी सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ वो सारा समेट रही हूँ। कभी कभी मैं रात को ही करके सोती हूँ सारा क्लीन करके, ताकि सुबह उठ के थोड़ा मुझे क्लीन दिखे। और ये मैं जो बेड शीट है नीचे हमेशा ऐसे फैला के रखती हूँ, क्योंकि टिया जो है वो हमेशा, मैं अगर उसको नीचे रख दूँ तो वो बहुत ही क्रॉल करती है आजकल, तो इसीलिए। मेरा यहाँ पे सुबह के क्लीनिंग के लिए मैंने रूम्बा ऑन कर दिया और टिया को उसी के तरफ फेस करके रख दिया है मैंने, और वो एंजॉय करती है देख के। बहुत क्यूरियस है वो, पता नहीं क्या है ये सोच के, और वो उसी को देख के एंटरटेन होती है और मेरा बेबी सीट भी हो जाता है। तो बहुत देर तक वो देखती रहती है और तब तक मैं जितना भी किचन का सामान यहाँ वहाँ फैला हुआ जितना भी है वो क्लीन कर लेती हूँ मैं। और आज का वेदर देखिए,